नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे थे साप्ताहिक राशिफल की। तो ये राशिफल आपका 8 जुलाई से 14 जुलाई तक के लिए रहेगा। तो धनु, अगर आपकी राशि है 9 नंबर वाली, तो जो ये सप्ताह रहेगा 8 और 9 जुलाई का समय, इस दौरान चंद्रमा आपके तीसरे भाव से ट्रांजिट करेंगे। तीसरे भाव से ट्रांजिट करने की वजह से कोई छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है, या छोटी दूरी की यात्रा हो भी सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। आपका जो रिश्ता है अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप अपनी मेहनत के बारे में सोचेंगे। आप जो हार्डवर्क करते हैं किसी भी काम के लिए, उस पर आपको फोकस करना होगा, या आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और किसी भी काम को आप करते हैं तो उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आपको लगानी चाहिए। जो लोग इस समय, ये जो 2 दिन हैं 8 और 9 जुलाई, उसमें जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करते हैं, या जो लोग कोई भी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, या जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह हैं, या कोई आप आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस दौरान आपका जो फिजिकल स्टेमिना है उसके ऊपर भी आपका थोड़ा सा ध्यान जाएगा, और आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा 8 और 9 जुलाई का। इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में इनका गोचर 10, 11 और 12 जुलाई को रहेगा। तो ये चतुर्थ भाव का गोचर है, काफी अच्छा रहेगा ये भी। यहाँ भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। माता जी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। साथ ही घर में कोई काम इम्पोर्टेंट है तो वो कर सकते हैं। कोई काम पहले से अटका हुआ है तो वो पूरा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। घर में माहौल इन 3 दिनों में बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही सुकून से आप जी पाएंगे, सुकून से रह पाएंगे घर में। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपके घर जाने की इच्छा होगी, आप जा भी सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों पर। तो कुल मिलाकर ये जो समय है वो 3 दिन का काफी अच्छा आपके लिए बीतेगा। जो जातक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए जॉब के बेहतरीन चांसेस बनते हैं इस दिन। साथ ही ये जो समय है उसमें थोड़ा सा आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने जॉब पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, और इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 13 और 14 जुलाई को। 13 और 14 जुलाई की जो स्थिति है उसमें चंद्रमा आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा। पंचम भाव में ये ट्रांजिट प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट जैसे कामों से, या लॉटरी वगैरह ऐसे अचानक धन प्राप्ति वाले जो साधन हैं, अचानक बहुत ज्यादा धन आपको मिल जाए, ऐसे जो काम हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों के अलावा आपको कोई नया मित्र मिल सकता है जो फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर सकता है, और ये आपका जो नेटवर्क सर्किल है उसमें आपकी बहुत अच्छी पहचान होगी, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय है ये काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। इन अंतिम 2 दिनों में आपके लिए काफी अच्छा समय है। कुल मिलाकर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप स्टेज परफॉर्मर हैं, या आप कोई भी क्रिएटिव स्किल से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आप अपनी संतान को लेके, आप अपनी एजुकेशन को लेके कोई नया डिसीजन निर्णय ले सकते हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो इस सप्ताह में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3, और आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ब्राउन, यानी कि भूरा। तो फिलहाल बस इस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। धन्यवाद।